आई थिंक मेरे हिसाब से द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फिल्म के ऊपर हमने प्रिंट्स और मार्केटिंग के लगाया है, दैट हैज़ ऑल बीन रिकवर्ड इन 4 days. एंड आई थिंक दूसरी जो आप सवाल कर रहे थे, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम सब ऑडियंसेज हैं. हम थोड़ी फिल्में हैं जो हमको पसंद आती है, थोड़ी फिल्में हैं जो हमको नहीं पसंद आती. तो इसमें कोई इसमें गुस्से वाली बात तो है नहीं कि किसी को पसंद नहीं आई है. तो इसीलिए एज अ स्टूडियो हमारा जो क्या फिलॉसफी होता है कि वी वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ. हमने जब हमने सिटी लाइट्स करी थी तो हमको पता था कि ये बहुत सेलेक्ट फिल्म है, ये वो फिल्म है जो इंटेलेक्चुअल वगैरह को सब पसंद आएगी. जब हमने हवा हवाई करी तो हमको मालूम था कि ये फिल्म बच्चों की ज़्यादा प्रेफरेंस आएगी. उसी हिसाब से जब हमने हमशक्ल्स बनाई है तो वी वर वेरी क्लियर कि दिस इज़ फॉर फैमिली ऑडियंसेस, दिस इज़ फॉर मैस मार्केट. पर ये किड्स के लिए भी है. हाँ, बच्चे बहुत हैं, हम पागल नहीं, हमारा दिमाग खराब है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं. बिल्कुल. तो हमशक्ल्स 2 भी बनने के लिए देखिए, हमशक्ल 2 थोड़ा डिफिकल्ट होगा बनाने के लिए, पर अगर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बन गया तो मैं क्या, सब लोग बनाएंगे. तो अगर हमशक्ल 2 बन गया तो विल बी बादशाह का पार्ट ऑफ इट. व्हाई नॉट. सी बादशाह इज अ एक्ट्रेस. आपने आप ऐसे कितने लोगों ने पहले पिक्चर देखा मुझे ये बताइए. सबने देखा. तो बादशाह का रोल बहुत अच्छा है पिक्चर में. ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया बिटवीन एक्टर एंड प्रोडक्शन कंपनी कि उनको लग रहा है शायद मैंने ये पिक्चर साइन की थी, शायद बहुत डिफरेंट रोल सोचा होगा, ने इमेजिन किया होगा. बाद में पिक्चर देखने बाद लगा होगा मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मेरा और थोड़ा बड़ा रोल होता तो बेटर होता है. उसका पर्सनल है, एक इमोशन का चक्कर है. ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इमोशन ज़्यादा होता नहीं. पिक्चर हमारी खत्म हो गई, दूसरी पिक्चर नहीं, हम सब भी काम करेंगे और वो भी हमारे साथ करेंगे. सर, बट फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें रितेश बोलते हैं कि विपाशा इज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सो व्हाई वाज दैट डायलॉग. नहीं, बिकॉज वो स्टूडियो में शूटिंग चल रहा था. It was not because of this. Yeah, that is the film का dialogue है. और वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट ने सबको बताया. और इन तो ऐसे तो क्या सैफ को रितेश को पागल बुलाया थे मैड. So you can't count on this. देखिए सक्सेस पार्टी हम लोगों के लिए भैया, पिक्चर इन्होंने और आप सबके लिए है कि आप सबको सपोर्ट किया तो थैंक यू. होती तो भी नहीं आती क्योंकि उसका पहले से बेचारी का अच्छा प्लान चल रहा है. डजन लुक नाइस सडनली प्रमोशन में नहीं और इधर आना ना. हमने उनको इनवाइट किया, ऑनेस्टली क्या हुआ, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ. लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सर. थैंक यू बाबा. थैंक यू. ए भाई तुम